अभी महीने का हिसाब किया जाए तो महीने के 90,000 होते हैं, 90,000। इतना पैसा तो कोई MBA या तो फिर मास्टर डिग्री वाला भी नहीं कमा सकता भाई। दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले बिना दीवार की चलती फिरती एक स्मार्ट दुकान, जहाँ पे आपको ठंडा ठंडा मीठा मीठा ताजा ताजा गन्ने का रस मिलेगा। आप देख सकते हो ये जो पूरा सेटअप है वो वाकई में मजेदार है। ये ले लिया भैया जी ने एकदम बड़ा सा गन्ना। वाह भाई वाह। अभी इसको डालेंगे मशीन के अंदर। वाह भाई वाह, एकदम ताजा ताजा मीठा मीठा रस निकल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ ही सेकंड में रस बाहर आ गया। वाह भाई वाह, क्या कारीगरी है, क्या कारीगरी है। आप देख सकते हो ये जो पूरी गाड़ी है उसमें एक इंजन लगा हुआ है, यहाँ पे है वो इंजन। तो ये इंजन के जरिए ये गन्ने का रस भी निकलता है और साथ ही साथ ये जो पूरी गाड़ी है वो भी चलती है। मतलब एक ही इंजन के जरिए यहाँ पे दो दो काम हो रहे हैं। वाह भाई वाह, एकदम जुगाड़ी दिमाग पाया है भैया जी ने। भाई जी ये जो पूरा सेटअप है वो कितने रुपए में तैयार हुआ है? 70,000 रुपए में। क्या बात है भाई। और आप यहाँ पे हर रोज कितने गन्ने के रस बेच लेते हो? 200-300। वाह भाई वाह, 200-300 ग्लास बेच लेते हो, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब कि अपने आप में रिकॉर्ड है। और एक ग्लास की प्राइस क्या है? 10 रुपए। सही है। वाह भाई वाह। आपका दिनेश भाई, क्या बात है। और आप कितने साल से गन्ने का रस बेचते आ रहे हो? 3 साल से। वाह भाई वाह। और आपके पास ये तो गन्ने का सामान है वो कितने रुपए का है? 1500 रुपए का है। कितने दिन चलता है? 2-3 दिन चल जाता है? एक दिन ही चलता है। सही है भाई। ये जो गन्ने का रस है वो तो आपको पूरे भारत में मिल जाएगा, हर एक शहर में मिल जाएगा। पर ये जो गन्ने का रस भाई बेच रहे हैं उसकी अपने आप में कुछ खास बात है। ये जो पूरा सेटअप है वो सिर्फ और सिर्फ 70,000 रुपए में तैयार हुआ है। ये जो गाड़ी है वो पूरी मॉडिफाइड की हुई है। ये भाई ने 8वीं तक पढ़ाई की है, मतलब कि ये भाई ने ना तो MBA किया है ना तो कोई मास्टर डिग्री ली है, इसीलिए इसका जो दिमाग है वो एकदम जुगाड़ हुए। आप देख सकते हो ये जो दिनेश भाई है वो अपने आप में कुछ खास काम करते हैं, अलग काम करते हैं। जैसे हमने कई बार सुना है कि जो विनर्स होते हैं, जो कामयाब लोग होते हैं वो कुछ अलग काम नहीं करते, काम तो ठीक वैसे करते। जैसे मैंने आपको पहले बताया, रस पीना तो हमारे लिए आम बात हो चुकी है। रस तो दुकान पर मिलता है, ठेले पे भी मिलता है, बहुत जगह मिलता है। पर ये दिनेश भाई ने कुछ हटके किया है जो देख के लोगों को लगे कि भाई ये चीज तो कुछ नहीं है, यहाँ पे रस मिल रहा है तो ये रस तो मुझे पीना ही पीना है। मतलब कि ये भाई काम कुछ अलग नहीं कर रहे, पर जो काम करने का नजरिया है, काम करने का जो ढंग है वो एकदम यूनिक है, एकदम हटके। 70,000 रुपए का सेटअप है। यहाँ पे दिनेश भाई हर रोज के 200-300 ग्लास बेच लेते, एक ग्लास की प्राइस है 10 रुपए। तो आप लोग अभी हिसाब कर सकते हो, ठीक है, 300 ग्लास एक दिन के हुए, मतलब कि हर रोज के 3,000। अभी महीने का हिसाब किया जाए तो महीने के 90,000 होते हैं, 90,000। इतना पैसा तो कोई MBA या तो फिर मास्टर डिग्री वाला भी नहीं कमा सकता भाई। इतना पैसा दिनेश भाई खुद अकेले कमा लेते हैं। ये जो दिनेश भाई है वो खुद ओनर है, खुद गाड़ी चलाते, खुद गन्ने का रस बेचते, मतलब कि 3 काम अकेले करते हैं। एक ग्लास की प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए। 10 रुपए में हमें 250 ml का ग्लास मिलता है और एकदम ठंडा ठंडा है। वैसे पहले मुझे लगा था कि इतनी धूप में, मतलब कि अभी 40 डिग्री टेम्परेचर है, इतनी धूप में गन्ने का रस बेच रहे हैं तो ठंडा कैसे होगा, मतलब ये जो रस होगा उसका स्वाद कैसा होगा। पर यहाँ पे आके मुझे पता चला, ये जो देख रहे हो ये जादुई बक्सा, इसमें हमारे दिनेश भाई जो है वो बर्फ रखते है। इसी की वजह से हमारा जो गन्ने का रस है वो एकदम ठंडा रहता है, एकदम ताजा रहता है, एकदम फ्रेश रहता है। ये जो पूरा ग्लास है एकदम ठंडा ठंडा है, इसकी प्राइस 10 रुपए। अभी मैं इसको टेस्ट करना चाहूंगा, ठीक है, फिर मैं आपको भी बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। भाई साहब ये जो रस है ना, रस, ये जो ग्लास में आपको रस दिख रहा है ये गन्ने का रस नहीं है, ये अमरूद है, अमरूद। मतलब 40 डिग्री गर्मी के अंदर ये अंदर तक ठंडक देने का काम कर रही है। एक ग्लास मैं पी रहा हूँ, उसके बाद दूसरा लूंगा, उसके बाद तीसरा भी लूंगा। तो दोस्तों अभी आप लोगों में कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको गर्मियों के सीजन में मेरी तरह गन्ने का रस पीना पसंद है, गोला खाना पसंद है या तो फिर आइसक्रीम खाना पसंद है, ठीक है। बहुत ही मजा आएगा भाई सच में।
ये दिनेश भाई का वीडियो शूट करके आपको दिखाने के लिए हम ये दिनेश भाई के साथ और ये गाड़ी के साथ कम से कम 2 से 3 घंटे से घूम रहे। हमें पता चला ये जो काम है, ये जो बिजनेस है, जितना दिखने में आसान है उतना है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दिनेश भाई को खुद गाड़ी चलानी पड़ती है, ग्राहकों से पैसा लेना पड़ता है और साथ ही साथ गन्ने का रस भी बनाना पड़ता है। सो हैट्स ऑफ टू दिनेश भाई, क्योंकि ये जो दिनेश भाई है वो हम जैसे फूडी लोग को इतनी गर्मी के अंदर ठंडा ठंडा मीठा मीठा ताजा गन्ने का रस पिला रहे हैं। और ये दिनेश भाई की गाड़ी की एक खास बात मुझे लगी, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आप ध्यान से सुनिएगा। ये जो गाड़ी है वो डोर टू डोर काम करती है, मतलब इसका कोई एग्जैक्ट लोकेशन फिक्स नहीं है। ये जो दिनेश भाई अपनी गाड़ी लेके जहाँ मन चाहे जा सकते हैं, मतलब घूमने फिरने के लिए नहीं, अपना धंधा करने के लिए। मतलब कि सुबह के टाइम पे स्कूल पे चले गए, दोपहर के टाइम पे कॉलेज पे चले गए, शाम के टाइम पे कोई पार्क पे चले गए, ऐसा इनका जो धंधा है वो चलता रहता है। कस्टमर भी नए नए मिलते रहते हैं, हर रोज नए कस्टमर मिलते हैं, इसकी जो बिक्री है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है। तो ये जो गाड़ी है उसका एक प्लस पॉइंट है, ये जो दिनेश भाई जहाँ मन चाहे गाड़ी ले जा सकते हैं, इसमें कोई GST नहीं है, कोई लाइट बिल की चिंता नहीं है। प्लस पॉइंट सबसे बड़ा तो मुझे ये लगा कि दिनेश भाई अपनी गाड़ी जहाँ मन चाहे पूरे शहर में घुमा के अपना धंधा कर सकते हैं। लेकिन आपकी तकदीर ने साथ दिया, दिनेश भाई जो है वो आपके घर पे भी आ सकते हैं और आप इनका जो रस है वो जरूर से जरूर ट्राई करना, क्योंकि इनका जो रस है बिल्कुल ताजा है और एकदम फ्रेश है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर वीडियो ज्यादा पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो कर दो।